हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप बीकॉम सेम फाइव के स्टूडेंट हो ऐसा मैं मानकर चलता हूं। तो इसके पहले मैंने बीकॉम सेम फाइव के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आज का इस वीडियो लेक्चर है हमारा बीकॉम सेम फाइव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। चैप्टर नंबर है 3 गुणोत्तर विश्लेषण और पेज नंबर 78 और 79। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैली डिजिटल क्लास और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं बीकॉम सेम फाइव गुणोत्तर वितरण की। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम यहां पर देखने वाले हैं, इसका पहले मैंने एग्जांपल नंबर 1 के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये हमारा सम है पारुल लिमिटेड का 2013 का पाका सर्वैया बैलेंस शीट जो है हमारी, और नीचे हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सब गुणोत्तर हमें यहाँ पर ढूंढना है। कुल बेचान और चौखा नफा हमें यहाँ पर नीचे दे दिया है। तो इसके इस पर से हमें सबसे पहले तो बैलेंस शीट हमें यहाँ पर बनानी है, बैलेंस शीट हमें यहाँ पर बना देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आप इजीली बैलेंस शीट बना सकते हैं। काफ़ी सेकंड मिनटों में आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है तो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहले वाले वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर ऊपर आती है शेर मूड़ी। तो हम बैलेंस शीट में हम एक मिनट, सबसे पहले क्या आता है ऊपर शेर मूड़ी। तो हम रकम में जाकर देखते हैं कि हमारी शेर मूड़ी कहाँ पर है। शेर मूड़ी हमारी कौन सी बाजू होती है, जवाबदारी मूड़ी यानी देवा बाजू हमारी शेर मूड़ी होती है। तो देखते हैं कि शेर मूड़ी कितनी है। तो यहाँ पर है भरपाई अने भरपाई थैली मूड़ी कितनी है हमारी, 1,00,000 यहाँ पर हमें दी हुई है। इसके बाद अनामत अने नफो, 1,00,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद है अनामत अने नफो, सेकंड जो है अनामत अने नफो। तो अनामत अने नफो ये हमारा कितना है, 59,000 का ये हमारा अनामत अने नफो है। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया अनामत अने नफो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टोटल जो आएगा वो उसको बोलेंगे हम शेयर होल्डर उना भंडोड़ो, या तो फिर मालिक इना भंडोड़ भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद डिबेंचर, तो डिबेंचर हमारे यहाँ पर कितना है, 1,00,000 का हमारे यहाँ पर डिबेंचर है, उसको भी हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे। तो टोटल जो आएगा रोकाइली मूड़ी वो हमारी 2,69,000। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर ब्याज और कर वेरा अगर कुछ हमें दिया होता तो उसको हम यहाँ पर इससे यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कर वेरा या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है। आने वाले टाइम में अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसके बारे में अगर होगा तो उसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद हमारा होता है कायमी मिलकत। तो कायमी मिलकत में कौन कौन सी मिलकत होती है वो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कायमी मिलकत। और उसमें कायमी मिलकत में चालू मिलकत और चालू देवा, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना है। कौन कौन सी चीज़ें मिलकत में आती है और कौन देवे में आता है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान में रखना है। तो चालू मिलकत में हमें यहाँ पर देवा है, चालू मिलकत सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2,000 स्टॉक लेने होंगे और ये हम यहाँ पर इसको बैंक में रोकड़ देवादार स्टॉक और लेड होंगी, ये चार चीज़ें हमारी यहाँ पर चालू मिलकत में दी हुई है। अगर इसके अलावा भी मशीनरी या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारी कायमी मिलकत में आएगी। और इसके अलावा कुछ
और इन्फॉर्मेशन दी होती तो वो हम यहाँ पर इसको चालू मिलकत में लेते हैं। अभी फ़िलहाल इतनी ही दी हुई है हमें, तो हम चारों का टोटल करके यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 91,091,000 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद चालू देवा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चालू देवा में सिर्फ हमें यहाँ पर लैंडर और देवी हंडी हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर इसके अलावा कुछ और अगौती चुकवेल खर्चा चुकवाना बाकी खर्चा ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम यहाँ पर इसको चालू देवा में ले लेते। अभी फ़िलहाल हमें इतना ही दिया हुआ है तो हम दोनों को यहाँ से इसको प्लस करते हैं 22,000 और 91,000 में से चालू मिलकत में से चालू देवा हम यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा जो है बार हमारा निकल कर आ जाएगा 59,000। तो 2,00,000 प्लस 59,000 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2,59,000। दोनों का मिलकत और देवा दोनों का साइड का टोटल हमारा मैच होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों का सेम आना चाहिए। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो गुणोत्तर दिए थे वो गुणोत्तर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 2-3 गुणोत्तर मैं आपको बता देता हूँ। अगर ज़्यादा गुणोत्तर मैं आपको बताने गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोरिंग हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ 2 गुणोत्तर यहाँ पर आपको बताऊँगा और बाकी के जो गुणोत्तर है वो आपको हाथ से करने हैं, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट है चौखो नफा गुणोत्तर, उसका सूत्र है चौखो नफो भाग्या वेचाण गुणिया 100। तो चौखो नफो हमारा कितना है, चौखो नफो हमें यहाँ पर दे दिया है, चौखो नफो हमारे यहाँ पर 40,000 दे दिया है। तो 40,000 भाग्या वेचाण हमारा कितना हुआ है, 2,00,000 का हमारे यहाँ पर वेचाण हुआ है। तो 40,000 भाग्या 2,00,000 गुणिया 100 तो हमारा आंसर आएगा 20%, ठीक है। इसी तरह चालू गुणोत्तर में हमें क्या क्या लेना है, चालू मिलकत भाग्या चालू देवा। तो हम देख लेते हैं कि चालू मिलकत जो हमारी कितनी है, 91,000 भाग्या चालू देवा हमारा कितना है 22,000। तो 91,000 भाग्या 22,000 तो हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा 4.14:1 आएगा हमारा रेशियो, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है मालिकनो गुणोत्तर, इसके बाद मालिकी गुणोत्तर के बाद देवाधनो गुणोत्तर कार्यशील मोड़ीना गुणोत्तर। देवाधार का सूत्र है देवाधार प्लस लेने हुंडी भाग्या उधार विचरण गुणिया कामना दिवसो। इसके पहले गुणोत्तर के जो सूत्र के वीडियो मैंने अपलोड किए थे, एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। उसके बारे में उस वीडियो में मालिकी गुणोत्तर चालू गुणोत्तर ये सब सूत्र है जो मैंने बताए हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, आने वाले वीडियो लेक्चर में और भी सीखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।